हेलो मित्रों, आप लोग फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में तो वैकेंसी इन्फॉर्मेशन में सभी मित्रों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमने एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं जो अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के बारे में है, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ का एडमिशन फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे, और साथ में इसमें हम बात करेंगे कि इसका मेरिट के आधार पे आप लोगों का एडमिशन होगा या एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे आप लोगों का एडमिशन होगा। तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, और यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं, कितना फीस है। तो मित्रों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। चलिए हम चलते हैं और इसके ब्राउजर की तरफ, ठीक है। तो ब्राउजर में जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखा है कि श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज जो है कि बुनालाला परमानंदपुर वाराणसी में स्थित है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे 17 फरवरी 2021 के बारे में, ठीक है। तो इसकी जो है हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है कि फीस कितना लगता है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो वीडियो में आगे जैसे बढ़ते हैं तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करके आते हैं। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो है कि बीए के लिए जो सब्जेक्ट समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र है। और एमए के लिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीतिक शास्त्र। उसके बाद कला के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है कि हिंदी है, अंग्रेजी है, प्राचीन इतिहास है, और संगीत है, तबला है, सितार है, और शारीरिक शिक्षा। स्नातकोत्तर के लिए हिंदी है और प्राचीन इतिहास, संस्कृत और पुरातत्व है। और नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि स्नातक बी स्तर के छात्राओं को उपरोक्त दोनों संख्या में किन्हीं 3 विषयों का चयन करना होगा, ठीक है। आप लोग किन्हीं 3 विषयों का, और इसमें प्रयोगात्मक विषय में मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, संगीत, गान, तबला, वेतार एवं सितार में से किन्हीं 2 विषयों का चयन किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग विज्ञान संकाय की बात कर लेते हैं। तो विज्ञान संकाय में जैसे कि आप लोगों ने यहाँ भेजा भौतिक विज्ञान बीएससी, और रसायन विज्ञान, वनस्पति, जंतु विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, गणित और सांख्यिकी है, ठीक है। और इसमें से जैसे कि आप लोगों को ग्रुप बना दिया गया है, जिसमें कि पहला ग्रुप साइंस वर्ग के लिए जैव प्रौद्योगिकी, वनस्पति और रसायन विज्ञान है, जैव प्रौद्योगिकी, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान है, वनस्पति, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक, गणित और सांख्यिकी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ग्रुप बीएससी वालों के लिए बनाया गया है। तो साथ में आप लोग स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो नीचे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को डिप्लोमा भी पीजीडीसी भी है, ठीक है। और राष्ट्र गौरव सबको पता है, कंप्यूटर जागरूकता 30 दिवस का आपको कार्यक्रम होगा, वो भी आपको करना है। और साथ में यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आपको वहाँ के प्रचार है, जो भी विभाग के वो प्रोफेसर है, वहाँ पे आपको निष्ठ नाम नीचे दिया गया है, जिसको आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां से डायरेक्टली आप इसे ओपन करके स्वयं पढ़ पाएंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा तो। और प्रवेश संबंधी सूचना के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे लिखा है कि महाविद्यालय की प्रत्येक प्रत्येक कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय की प्रवेश नियमावली के अनुसार होगी, जिसमें बीए, बीएससी एवं बीकॉम के मेरिट के आधार पर होगा, ठीक है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर होगा, ठीक है। विज्ञान में अगर आप लोगों को कम से कम 40% के साथ आप लोग उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और एमए और एमएससी में प्रवेश मेरिट की योग्यता के आधार पर निर्धारित सीटों में किया जाएगा। पीजीडीसीए में जो है कि अंतिम स्नातक कोर्स तक के आवेदन किए जाएंगे, उसके अनुसार किया जाएगा, ठीक है। और बात हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाते हैं तो इसमें फीस की हम लोग बात कर लें, तो यहाँ पे फीस कितना है। तो जैसे स्क्रॉल डाउन करके हम लोग नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे फीस का विवरण दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बीएससी पीएमसी और पीएमएस के लिए 18,700 है, बीएससी बीजेडसी के लिए 20,000 है, और बीएससी बायोटेक के लिए 21,800 रुपये है, ठीक है। बीई के लिए विदाउट प्रैक्टिकल, जो बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट लेंगे, 3,334 रुपये है, और वन प्रैक्टिकल के लिए 3,695, अगर जो बीए में 2 प्रैक्टिकल लेते हैं उन्हें 3,944 रुपये का पेमेंट करना होगा। जो बीकॉम में एडमिशन लेंगे उनको 15,600 रुपये देने हैं, जो एमकॉम में एडमिशन करने हैं उनको 23,000। इसी तरह से बाकी सब्जेक्टों का दिया गया है, आप इसको अपने हिसाब से देख पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ हम आ जाते हैं कि एडमिशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऊपर लिंक दिख जाएगी, यहाँ पे एडमिशन वाला, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपको किसके लिए अप्लाई करना है, पहले कि आपको यूजी अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन के। तो मुझे अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन आपसे पूछेगा, प्लीज सिलेक्ट योर ब्रांच। तो आपको किस ब्रांच से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुनालाला है, एक परमानंदपुर वाला है, तो जिससे आपको करना है वहां पे आपको सिलेक्ट करके आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट क्लास या कोर्स। तो
आपको इसमें से जो भी कोर्स के लिए करना है, तो मुझे पीएमएस के लिए करना है, तो मैं पीएमएस कर लूँगा। तो उसके बाद आपको कह रहा है अपने फोटो सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ से अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपना फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कह रहा है स्टूडेंट नेम क्या है, तो स्टूडेंट नेम आपको लिख देना है यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट नेम होगा जिस छात्रा का, तो उसका आपको भर देना है। तो रोशनी देवी, ठीक है। उसके फादर जी का नाम लिखना है राम लखन। उसके बाद माता का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक स्क्रॉल मिलेगा, फिर यहाँ से आपको कौन से सन में इनका जन्म हुआ है वो आपको फिल करना है, तो 2003 दिसंबर 3, ठीक है। और उसके बाद आपकी रीजनल यानी किस धर्म से आप बिलोंग्स करते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपको उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। आपकी नेशनलिटी क्या है, तो सबको पता है सारे लोग इंडियन ही होंगे, ठीक है, इंडियन। उसके बाद अपनी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद अपनी आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर लेनी है। ईमेल आईडी आप कैपिटल स्मॉल किसी भी हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी आधार नंबर फिल कर लेनी है, ठीक है। तो आधार नंबर आपको फिल करने के बाद, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको यही सेम आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, आपकी जो है कि शादी होगी या नहीं हुई है, आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, आप एनसीसी या स्पोर्ट में भाग लिया है कभी, तो आपके पास अगर जो भी होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल की क्या करनी है, मार्कशीट को अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड है, मार्कशीट को अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा इसको आपको जीपीजी पीएनजी और पीडीएफ फाइल में, और कम से कम इसकी साइज 1 MB होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी, तो मैं हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इंटरमीडिएट की, तो आपको यहाँ से इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अपलोड करना है, तो आप इंटरमीडिएट के यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको कह रहा है अदर, और साथ में आधार, आधार आपने को यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपका आधार होगा। और यहाँ पे आपको हाई स्कूल को मैं फिर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो लिखा है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट एंड एडमिशन फॉर्म प्लीज वेट, तो आपको कुछ समय तक इंतजार कर लेना है। इंतजार करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नाम ये सब डिटेल्स आ जाएगा, कंफर्मेशन डिटेल्स, जो कि आपको एक बार मिला करके क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले वाले पे टिक करके कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखे जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, ₹500 का आपको पेमेंट लग रहा है, इसको पेमेंट आपको करना है। जैसे कि आप कर सकते हैं HDFC के क्रेडिट कार्ड के साथ, HDFC के डेबिट कार्ड के साथ, अदर डेबिट कार्ड के साथ, अदर बैंक के डेबिट कार्ड के साथ, और क्रेडिट कार्ड साथ, और नेट बैंकिंग के साथ। तो आप इसके साथ करना चाहते तो कर सकते हैं, तो मैं नेट बैंकिंग के साथ करना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और आपको किस बैंक के नेट बैंकिंग से करना है, तो आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सॉरी, मुझे HDFC की नेट बैंकिंग से करना है, तो मैं देख लेता हूँ HDFC का ऑप्शन कहाँ है, इसमें दिख नहीं रहा है, नहीं स्टेट बैंक का नहीं दिख रहा है, SBI नाम से होना चाहिए, यूको बैंक, यस बैंक, और तो मैं सॉरी डेबिट कार्ड से सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से आपको अपना कार्ड नंबर भरना है, अपना नाम भरना है, और यहाँ पे अपना ये CCV नंबर भर के कंफर्म पेज पे लेके चले जाना है, ठीक है। जैसे कंफर्म पेज पे लेके चलेंगे तो आपको पेमेंट हो जाएगा और आपको सबमिशन फॉर्म मिल जाएगा। तो वीडियो अगर मित्रों वीडियो पसंद है, जानकारी पसंद है, प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे हमारा हिस्सा बढ़ाने के लिए। आप सभी मित्रों का सहृदय धन्यवाद।